हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये शूज़ का अगला पार्ट बनाएंगे। इसके लिए मैं येलो कलर की ऊन लूँगी। इसको मैंने डबल कर लिया है। हम इसको ये धागा नीचे की तरफ से निकाल लेंगे। ऐसे इसको एक जैसा करके इस धागे को पीछे की तरफ कर लेंगे। जो ये हमने फंदे बनाए थे, जो स्टिच बनाए थे हमने, उसी चेन में से करते हुए ये चेन बना लेंगे। ऐसे नीचे धागा करके ऊपर की तरफ लाते हुए ऐसे पूरी चेन बना लेंगे। जहाँ से हमने ये स्टिच बनाए थे उसी चेन में इसको दोबारा डालना है, उसी जगह डालना है, उसी होल में। ऐसे करते हुए ये पूरी चेन बन जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसे करते हुए, ऐसे चेन बनाते हुए इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ भी ऐसे ही चेन बनाएंगे। यहाँ हमने सिंगल धागा ही लिया है। अगर आप चाहो तो डबल भी ले सकते हो। जहाँ से ये हमने येलो कलर स्टार्ट किया था, जहाँ से हमने फंदे बनाए थे, वहीं उसी होल में डालते हुए ये चेन बनानी है। धागा हमने नीचे की तरफ रखना है। ऐसा हमने चारों तरफ बनाना है। ये शूज़ के चारों तरफ बनाना है। हमें उसी होल में डालना है जहाँ ये हमने येलो स्टिच बनाए हुए हैं। कोई अलग रो में नहीं बनाना है, इसके साथ साथ बनाना है।
ऐसा करते हुए हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने नीचे ये बीच में भी हमने ये रो बना ली है, सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगा, ऐसे ही ये चेन बनानी है। अब हम इसके लेसेस बनाएंगे शूज़ में डालने के लिए। इसके लिए मैंने ये वाइट कलर की ऊन ली है, मैं वाइट कलर के लेसेस बनाऊंगी। इस ऊन को भी हमने ऐसे डबल कर लेना है, या फिर ऊन के दो गोले ले लो आप सेम टू सेम कलर के, ताकि ऊन ख़राब ना हो। कई बार हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं या फिर कम, कई बार कम पड़ जाती है, तो आप सेम कलर के दो ऊन के गोले ले लें। ये हम शूज़ के लिए लेसेस बना रहे हैं। हमें ये एक तो अपनी उंगली पे लपेट लेनी है ऊन, दूसरे को ऐसे क्रोशिए पे चढ़ा के, फिर हमें ये जो तीन दो फंदे हैं इनका एक बना लेना है। इसको ऐसे बना लेना है। हमें इस वाले को चढ़ाना है, उस दूसरी को ऐसे ही रखना है। इस तरीके से बनाते हुए पूरी लेसेस कंप्लीट कर लेंगे। इनकी लेंथ मैंने टोटल 21 इंच रखी है। आप अपनी इच्छा अनुसार इसको छोटा बड़ा जैसे चाहे आप बना सकते हैं। आप चाहे तो इसमें रेडीमेड लेसेस भी डाल सकते हैं, ताकि इसका लुक और भी बढ़िया आए। इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद इसको हम शूज़ में डालेंगे। लेसेस हमारे बन चुके हैं, अब इसको हम शूज़ में डालेंगे। हम तीन फंदे छोड़ के अंदर की तरफ से इसमें हम ये लेसेस डालेंगे। ये हमने एक्स्ट्रा धागा रखा है लेसेस में, ताकि हम इसमें ही मोती डाल सकें, हमें अलग से धागा ना जोड़ना पड़े। अब हम ऐसे ही तीन डबल क्रोशिया हैं जो हमने बना रखे हैं, तीन फंदे छोड़ के सबसे नीचे वाली लेयर में डालेंगे। हमने ये तीन तीन फंदे छोड़ के लेसेस डालने हैं।
मैंने ये सिंपल तरीके से लेसेस डाले हैं, आप चाहे तो जैसे मर्जी डाल सकते हैं, आपको कुछ और डिज़ाइन आता है तो आप वैसे डाल सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार इनकी लंबाई कम ज़्यादा जैसे भी आप चाहें वैसे कर सकते हैं। ऐसा करते हुए हम हर रो में ये लेसेस डाल लेंगे। हमने इसमें तीन तीन स्टिचेस छोड़ दिए हैं। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरा ये न्यू चैनल है। अब लेसेस हमारे डल चुके हैं, अब इसमें हम मोती लगाएंगे। अगर आप चाहे तो इसमें लूप्स भी बांध सकते हैं, मैंने इसमें मोती लगाए हैं। अब मैंने ये सुई ले ली है, इसमें हम ये वूल डालेंगे। ये मैंने वाइट कलर का मोती लिया है, मार्केट में और भी फैंसी जो मोती मिल सकते हैं आप वो भी डाल सकते हैं। ऐसा करते हुए हम इसको अटैच कर लेंगे। ये हमारे दोनों शूज़ तैयार हो चुके हैं। आपको ये शूज़ कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनको बच्चों को पहनाना भी बहुत आसान होता है और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी अपने बच्चों के लिए ये बनाएं, उन्हें पहनाएं। मैंने भी ये अपने बेटे के लिए बनाए हैं, वो 1 साल का है। और ये बहुत ज़्यादा शैतान भी है, देखो कैसे उठा रहा है शूज़ को। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं।